मैंने उसे देखा। वो मुझे देखकर धीरे से खड़े होने की कोशिश करती है। नन्हे पैर उसके कहते हैं, तो कर कोशिश, मैं हूं ना तेरे साथ। मुश्किल था मगर वो फिर भी कोशिश करती रही और मशक्कत के बाद खड़ी हो जाती है। मुस्कुराकर मेरी तरफ बढ़ने लगती है, ठुमक ठुमक के अपने आप को संभालते हुए। दो कदम ही चल पाती और फिर गिर जाती है। मेरी ममता मुझसे कहती है कि मैं जाके उसे गोद में उठा लूं, मगर उसकी आंखें मुझे देखकर मानो कहती है, माँ मैं संभल जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। वो फिर उठती है और मेरी तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी मंजिल पता है, मैं उसकी माँ और मेरी बाहें। गिरते संभलते वो आखिर पहुँच ही जाती है और मुझसे लिपट जाती है, एक मुस्कुराहट के साथ, एक खुशी के साथ, अपनी मंजिल पाने की खुशी, बाधाओं को पार करने की खुशी, हार ना मानने की खुशी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमें कई बार हमारे बच्चे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इनफैक्ट हमें अपने बच्चों से सीखनी चाहिए कि कैसे जिंदगी के रेस में दौड़ना है। कभी आपने देखा है कि जब बच्चे पहली बार चलना सीखते हैं तो वो किस तरह कई बार गिरने के बाद भी खड़े होकर अपने राह पर चलने लगते हैं। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती, हारने का उसे डर नहीं होता और वो एक दो बार का गिरना उसे हार लगता ही नहीं है। That's right. वो उसे part of the game समझकर आगे बढ़ने लगते हैं। Exactly, दिलीप। ठीक इसी तरह किसी भी बच्चे को देखिए आप, कि वो साइकिल चलाते हुए, खेलते हुए, भागते हुए वो कई बार गिरते हैं, फिर उठते भी हैं, कुछ देर रोते भी हैं और फिर उसी काम में दोबारा लग जाते हैं। That is right. And you know, when we look at them, we feel that they have not learned to lose. They have learned to only win. They'll keep trying till they win. And I think that is something that we elders or their parents lack. आपको पता है दिलीप, मैं कई बार सोचती हूँ कि जब बच्चे नहीं डरते हैं गिरने से, तो हम बड़े क्यों गिरने से डरते हैं? और जब गिरते हैं तो उठकर फिर से ट्राई करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, जिंदगी एक स्मूथ राइड नहीं है, ये बाधाओं से भरपूर है। यहाँ कई बार हम रास्ता भी भटक जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना छोड़ दें। क्या पता हमारे और हमारे मंजिल के बीच में शायद वो अगले मोड़ का ही फासला हो। That is right. पर जब तक हम उस मोड़ तक पहुंच नहीं जाते, हमें ये पता तो नहीं लगेगा कि उस मोड़ पे ही हमारी मंजिल है। इसलिए जरूरी है कि हम छोटी मोटी रुकावटों और फेलियर से ना डरे और हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। सही कहा दिलीप, और इसीलिए आइए हम और आप मिलकर करते हैं नए साल का जोरों शोरों से स्वागत और लिखते हैं एक नया और सुनहरा अध्याय हमारी जिंदगी का। दोस्तों, अगले 6 दिन में लिखिए कि आप क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं इस नए साल में। कोई नया चीज सीखिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, या कुछ नया कीजिए अपने बच्चों की बेहतरी के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए, चाहे जो कुछ भी हो, मगर कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे और आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाए। राइट पूजा? Exactly right, Dilip. तो नए साल के स्वागत में और पुराने साल के विदाई में हम क्या बनाने वाले हैं आज? Of course, कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल हो जाए।
तो फिर दोस्तों, आज जो हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वादिष्ट है, एक स्नैक्स है, टी टाइम स्नैक कह सकते हैं इसको, बच्चों के टिफिन में पैक कर सकते हैं, आई मीन कभी भी खा सकते हैं, और ये बनता है बनाना से, और ये कोई साधारण बनाना नहीं है जो हम जनरली खाते हैं, बट इस बनाना को क्या कहते हैं दिलीप? एत्तप्पम कहते हैं मलयालम में। हाँ, और ये हमेशा और हर जगह अवेलेबल तो नहीं होता है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको मतलब जनरल नॉर्मल जो बनाना होता है बड़ा वाला, रोबस्टा जिसे कहते हैं, वही यूज़ कर सकते हैं, बट इसका स्वाद जो है उसी केले में आता है। That is right. तो चलें बनाएं इस रेसिपी को। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 3 एत्तप्पम चाहिए, जो कि आपको बीच से काटना है और स्लिट कर लें उसके बाद, तो बेसिकली 4 पीसेस हो जाएंगे उसके। उसके बाद हमें लेना है होल व्हीट आटा, यानी कि गेहूं का आटा 1 कप, चावल का आटा जो है हम लेंगे 1 टेबलस्पून, गुड़ का जो पाउडर होता है वो हम लेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1 पिंच, और पानी जो है आवश्यकता अनुसार ले लें, इनफैक्ट 3/4 कप लगेगा शायद, बट आप देख लें उस कंसिस्टेंसी कैसी है, उसके हिसाब से पानी डालें, नमक स्वादानुसार, और तलने के लिए जो है बेटर होगा कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल से इसका बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक फ्लेवर आता है, और अदरवाइज आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। So on to the ingredients for this recipe, we'll need ripe plantain, about 3 numbers. This is called as Nendran Palam or Etapalam. You might be able to find this by searching with Nendran. So it's a different kind of a banana that is primarily available in Kerala, but it's also available in a lot many other parts of India and even in some of the other countries as well. So we'll need this ripe plantain, about 3 numbers, whole wheat atta, about 1 cup, rice flour about 1 tablespoon, jaggery powder 1 tablespoon, turmeric powder 1 pinch, water about 3/4 cup or as per needed, salt to taste, coconut oil is what we'll prefer to deep fry, but if you don't have coconut oil you can also use vegetable oil. तो फिर आइए और देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम बनाना को पील कर लेंगे और स्लिट कर लेंगे लेंथवाइज। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कई जगह ये बनाना बहुत ही बड़ा होता है दिखने में, और उसको तलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको बीच से काट सकते हैं, और कई जगह क्या होता है कि आपको ये बनाना थोड़ा सा छोटा मिलेगा, तो उसको फिर आप एक सिंगल स्लिट करके आप तल सकते हैं, बट अगर बड़ा है तो उसको बीच से एक काट लें और उसके बाद स्लिट कर लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बोल लेंगे जिसमें कि हम आटा, राइस फ्लावर, जैगरी यानी कि गुड़, नमक और हल्दी पाउडर डालेंगे, और उसके बाद पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही लिक्विड नहीं करना है उसकी कंसिस्टेंसी को, और ना ही बिल्कुल थिक, मतलब एक ऐसा हो कि ताकि कोटिंग बन जाए बनाना के ऊपर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि बनाना के जो स्लाइसेस हमने काट के रखे हैं उसको इस बैटर में डालेंगे और इवनली कोट करेंगे आटे से, और उसके बाद हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, और जब तेल गरम हो जाए तो ये जो डिप किया हुआ बनाना है, इस बनाना स्लाइसेस है, उनको हम डीप फ्राई करेंगे, और डीप फ्राई तब तक करेंगे तब तक जब तक कि वो थोड़ा गोल्डन सा, ब्राउन सा ना हो जाए, और उसके बाद हम इसे पेपर टॉवल में निकाल के रख लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो बस हो गया हमारा सिंपल सा रेसिपी तैयार, और इसे हम सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, कॉफी के साथ, या फिर गरम दूध के साथ। सो ऑन टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पील द बनाना फर्स्ट एंड स्लिट इट लेंथवाइज। सो इफ द बनाना इज अ लिटिल लॉन्गर, इट्स अ लिटिल बिगर, देन यू कैन कट इट इनटू 2 बिफोर यू स्लिट इट लेंथवाइज। देन इन अ बोल ऐड आटा, राइस फ्लावर, जैगरी, सॉल्ट and turmeric powder. Then mix everything by adding water into it. Then dip the plantain slices in the batter and evenly coat them. Just ensure that the batter isn't extremely thin, because that way it will not coat the plantain slices. Then heat oil in a pan, and when the oil is hot, deep fry the batter coated plantain slices by turning both sides until it turns golden brown. Once done, remove it on the paper towel. Then serve it hot along with a cup of tea, coffee or milk. तो दोस्तों, है ना मजेदार सी रेसिपी,
वैसे आपको मैंने इस रेसिपी का नाम नहीं बताया, इस रेसिपी का नाम है परम पूरी, और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। आप बना कर देखिए और हमें अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें। पर हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, मैं बस आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगी, रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि हमारा जो ये साल था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं और यहाँ पहुँच पाए हैं। और मैं चाहूँगी कि आप आगे भी आने वाले साल में हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ऑफकोर्स सपोर्ट कैसे करेंगे, ऑफकोर्स हमें, अगर आप ये पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं, विच मीन्स कि आप हमें लाइक करते हैं, इस पॉडकास्ट को लाइक करते हैं, राइट? तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, हमें बहुत 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 ही अच्छा लगेगा। और thetasteofindia.com विजिट करना ना भूलें, यू विल बी एबल टू फाइंड द प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड, द शो नोट्स एंड ऑल द रिसोर्सेज देयर, एंड यू विल आल्सो बी एबल टू शेयर योर कमेंट्स, फीडबैक देयर ऑन thetasteofindia.com। तो आई थिंक आज के लिए दिलीप इतना ही, हम मिलेंगे अगले साल में, वो भी एग्जैक्ट फर्स्ट को जो है वो हमारा अगला पॉडकास्ट रिलीज होगा। तो बस सुनते रहिए टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे और अच्छी अच्छी रेसिपी और अच्छे अच्छे चिट चैट प्रस्तुत करते रहेंगे। दैट इज राइट, सो वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर टेस्टी रेसिपी। Do subscribe to the podcast to stay updated, and don't forget to give us your genuine reviews and ratings and even your feedback. So that is it from the two of us for this episode. We'll meet again the next year in 2020. So until then, this is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja, and you all have a very happy new year.